प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार के लिए स्थापित या स्थापनाधीन डायग्नोस्टिक लैब के प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन ने चिकित्सा संस्थानों मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए अथवा स्थापित होने वाले डायग्नोस्टिक लैब की प्रगति की समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द L2 और L3 के अस्पतालों में स्थापित किए गए अथवा स्थापित होने वाले डायग्नोस्टिक लैब स्थापित कर उसका संचालन शुरू कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक कोरोना संक्रमितों की जांच कराई जा सके, जिससे उनका समय से उपचार किया जा सके। कोई अलग ही कहीं पड़े हैं, कभी खत्म नहीं होता है। इस बार तो इन्होंने AMU ने भी खत्म किया, BHU मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 12 घंटे उठ गया है। 12 घंटे के ऊपर भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर वो लग गया है, अभी 1 घंटे में अपडेट हो जाएगा सर, वो थोड़ा लेट से अपडेट हो जाएगा, तो कल फिर नया खड़ा हो जाएगा। नहीं सर, वो एक्चुअली लेट से एक दिन रिसीव ही हुआ था एक्चुअली हमारे पास। मतलब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या हुआ इसका? रिसीव करने के बाद काउंटडाउन शुरू होता है जी, रिसीव करते ही पॉजिटिव छोड़ दीजिए, उसका अगला दिन छोड़ दीजिए, उसका अगला दिन छोड़ दीजिए, उसके अगले दिन रात की रिपोर्ट है। आपकी बात एक तो बेहतर है, मेरा लग गया है, आज लगाए तो कल फिर खड़े हो जाएंगे, थोड़ी खत्म हो जा रहा है आपकी लाइफ में सारे। तो आज 48 घंटे से बात करते हम बिल्कुल छोड़ दोगे आपको 12 घंटे के ऊपर गए। कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। जो 2 कंसाइनमेंट थे वो कल रात को आए हैं सर। वो भी मैं कह रहा हूँ, जी जी सर लिख देना।